हेलो बच्चों, आज हम आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है खुलते पंख, उसका एक पाठ करने वाले हैं। और वो पाठ किस बारे में है वो आपको स्क्रीन देखकर पता चल गया होगा, है ना। स्क्रीन पे आपको एक चित्र दिख रहा है, वो है किसका, चांद का, है ना। और आप देख रहे होंगे कि ये चांद कैसा है, किस रंग का दिख रहा है, सफ़ेद नहीं, कैसा है ये, सुनहरे रंग का है ना, गोल्डन कलर का है ये चांद। और इसके देखिए, इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसकी जो प्रतिबिंब है, वो नीचे पानी पर पड़ रही है ना। और बच्चों, ये जो चांद है ये पूर्णिमा का चांद कहलाता है, जिसे हम पूनम का चांद भी बोलते हैं, पूनम का चांद या पूर्णिमा का चांद बोलते हैं। ये पूरा गोल होता है, एकदम थाली की तरह गोल होता है ये, है ना। और ये सुनहरे रंग का होता है बच्चों, लेकिन चांद का जो आकार है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। जैसे ये पूरा चांद है ना, फुल मून, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून। इस तरह के चांद को इंग्लिश में कहते हैं फुल मून, और हिंदी में इसे पूनम का चांद भी बोलते हैं। पर जो चांद है वो कभी कभी इतना पतला हो जाता है कि बिल्कुल हमारे नाखून जैसा लगता है ना। इसका जो शेप है, आकार है, वो हमेशा बदलता रहता है। तो बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो चांद के बारे में ही है, और पाठ का नाम है चांद बच गया। पर चांद कैसे बच गया, क्या हुआ था चांद को, ये हम उस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। और लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले हम एक चांद की छोटी सी कविता पढ़ लेते हैं, तो मज़ा आएगा उसको पढ़ के, फिर हम उस पाठ पे को पढ़ेंगे। तो चलें उस कविता को पढ़ लें, ठीक है, चलते। तो बच्चों, ये है वो कविता जो चांद के बारे में है। सारी रात चमकता चांद, हंसते हुए दमकता चांद। सारी रात चमकता चांद, हंसते हुए दमकता चांद। है तारों का नेता चांद, बस शीतलता देता चांद। हंसते हुए दमकता चांद, है तारों का नेता चांद, बस शीतलता देता चांद। कभी बहुत छोटा हो जाता, कभी तनिक भी नजर न आता। करता है यह ड्रामा चांद, सब बच्चों का मामा चांद। करता है यह ड्रामा चांद, सब बच्चों का मामा चांद। तो बच्चों, इसमें चांद के बारे में क्या बताया है कि सारी रात चांद जो है वो चमचम चमचम चमकता है और दमकता है, उसकी जो पहली रोशनी होती है उसमें वो दमकता है। और बच्चों, इसमें क्या बताया है कि वह चांद जो है वो तारों का नेता है। छोटे छोटे तारे दिखते हैं और उनके बीच में बड़ा सा चांद दिखता है ना, पर असल में क्या है, चांद जो है वो तारों से छोटा है, क्योंकि हमारे नज़दीक है पृथ्वी के, इसलिए हमें बड़ा दिखता है। लेकिन हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस यहाँ क्योंकि कविता पढ़ रहे हैं, तो कविता में क्या है कि चांद जो है वो तारों का नेता है, इतने सारे छोटे छोटे तारों के बीच में, छोटे छोटे तारों के बीच में चांद नेता की तरह है, और ये शीतलता देता है। सूरज की तो गर्मी लगती है ना हमें सूरज की रोशनी में, लेकिन चांद शीतलता देता है। और जैसा मैंने बताया कि चांद का हमेशा एक आकार नहीं होता, चांद का आकार बदलता रहता है, कभी पूरा गोल हो जाता है, कभी आधा हो जाता है, कभी एकदम नाखून के बराबर होता है, और कभी कभी तो दिखता ही नहीं है। जब नहीं दिखता है तो उसको हम बोलते हैं अमावस्या की रात, जब चांद नहीं दिखता है तो उसको हम कहते हैं अमावस, ठीक है। और जो क्योंकि वो बढ़ता घटता रहता है, एक शेप में नहीं रहता, एक आकार में नहीं रहता है, इसलिए कहा गया कि चांद ड्रामा करता है ना, कि ड्रामा करता है, कभी बड़ा हो रहा है तो कभी छोटा हो रहा है। और बच्चों, बचपन में जैसे हम भी बोलते थे, आप भी बोलते हो, चंदा को मामा बोलते थे ना, चंदा मामा। आप लोग भी बोलते हो कि मम्मी अगर बताते हो कि देखो बाहर चंदा मामा निकले हैं, मामा बोलते हैं, है ना। और बचपन में शायद आपकी मम्मी भी आपको बताई होंगी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, ये वाला लोरी भी गाई होंगी ना, आप खाए थाली में। तो ये सब छोटी छोटी कविताएं जो हैं हमने बचपन में सुनी थी, और आपने भी सुनी होगी, आपकी मम्मी भी आपके लिए सब गाती होंगी। तो ये थी चांद की कविता। पर हमारा पाठ क्या है, इस पे तो हमने चर्चा की ही नहीं बच्चों। जो पाठ है वो है चांद बच गया।
अब हम देखें कैसे बच गया, कहाँ बच गया। यहाँ आपको चित्र में क्या दिख रहा है, देखिए बाल्टी है और उसमें चांद है, मतलब बाल्टी में चांद डूब गया, गिर गया बाल्टी में। आपको क्या लगता है कि चांद गिरा हुआ है बाल्टी में, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं। अच्छा अच्छा एक और चित्र देखते हैं, ये क्या है देखिए। हाँ यहाँ देखिए कुआं है, समझ में आ रहा है ना कि कुआं है, और कुएं में चांद गिर गया है, सच में गिर गया है कुएं में चांद। क्या लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है ना कि चांद कुएं में गिरा हुआ है, और कौन इसको निकालेगा अब, गिर गया चांद तो। अच्छा आपको लगता है कि चांद कुएं में गिर सकता है? तो हम जो अभी आज पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है चांद बच गया। तो यहाँ हम यही जानेंगे कि कैसे बच गया, क्या हुआ था चांद को, ठीक है। तो हम चलते हैं अब आपके जो पाठ्य पुस्तक का जो ये पाठ है चांद बच गया, अब उस पृष्ठ पर चलते हैं और देखते हैं कि चांद के साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका पाठ चांद बच गया, चांद बच गया। अब कैसे बचा ये तो जानना है ना हमें। अच्छा इससे पहले देखिए, आपने एक कहानी सुनी थी खरगोश और शेर वाली, किसी ने सुनी है कहानी? अच्छा अगर नहीं भी सुनी है तो हम मैं आपको वो कहानी पहले सुनाती हूँ, क्योंकि वो कहानी से इस कहानी का थोड़ा सा संबंध है, ठीक है। इसलिए ये कहा वो हम शेर और कछुए वाली कहानी, शेर और खरगोश वाली कहानी एक बार सुन लेते हैं। क्या होता है कि एक शेर होता है, वो जंगल के जानवरों को मारकर खा जाता था। जब उसको भूख लगती थी तो जानवरों को मारकर खाता था, कभी 10 जानवर मार दिया, कभी 4 जानवर मार दिया, तो जितना भूख लगती थी उतना वो खाता था, बाकी को ऐसे ही मरा हुआ छोड़ देता था। तो इससे क्या होता था कि जानवरों की तो बेचारों की जान चली जाती थी, चाहे शेर खाए और चाहे ना खाए। तो अब जानवर बहुत परेशान हो गए शेर से, तो उन्होंने शेर के पास गए, उन्होंने शेर से रिक्वेस्ट की, उसे प्रार्थना की कि शेर महाराज आप हमें खाते हैं, आप मारते हैं, और तो ऐसा करते हैं कि आपको जितनी भूख होती है उतना आप खाते हैं, बाकी तो मरे रह जाते हैं जानवर। तो ऐसा करते हैं कि हम आपके पास रोज़ एक जानवर भेज देंगे, आपके भोजन के रूप में आपके पास एक रोज़ जानवर भेज देंगे, तो आपको इतने सारे जानवरों को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शेर ने मन में सोचा कि बात तो सही है, अच्छा है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप मेरे पास एक जानवर आ जाएगा, मैं उसको मार के खा जाऊंगा और ये सारा फिर सही हो जाएगा, मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो शेर ने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना जिस दिन मेरे पास कोई जानवर तुम लोगों ने नहीं भेजा उस दिन फिर मैं पूरे जंगल के जानवर को मार डालूंगा। तो सारे जानवर डर गए, उन्होंने कहा हाथ जोड़ के कहा नहीं नहीं हम रोज आपके पास एक जानवर भेजेंगे। फिर क्या हुआ, रोज जंगल के जानवर थे वो एक जानवर भेजते थे शेर के पास, शेर के शिकार के रूप में, और शेर उसको मार के खा जाता था, ऐसा चलता रहा। फिर आई एक दिन खरगोश की बारी, ठीक है। अब खरगोश को जाना था शेर के पास, अब शेर खरगोश ने सोचा कि अब तो मरना ही, अब तो मेरी जान जानी है, तो वो बड़ा आराम आराम से धीरे धीरे चल के जा रहा था, खूब देर किया। अब यहाँ शेर की हालत खराब, उसे बहुत तेज भूख लगी थी, और उसको लगा शेर को कि जंगल के जानवरों ने तो कहा था, मुझे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो रोज़ एक जानवर भेजेंगे, और आज उन्होंने जानवर नहीं भेजा। ये सोच सोच के उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, सोच रहा था अभी जाकर जंगल के सारे जानवरों को मार दूंगा, ऐसा उसके मन में आ रहा था। तो उसने क्या किया कि अभी अभी ऐसा गुस्सा हो ही रहा था तब तक में खरगोश आया, खरगोश को देखते उसको और गुस्सा आ गया, चिल्ला के बोला कि तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर से क्यों आए, तुम्हें पता नहीं है ऐसे। तो शेर ने हाथ जोड़ लिया, महाराज महाराज माफ़ कीजिए, महाराज मेरी गलती नहीं है, मैं तो आ ही रहा था आपके पास, लेकिन रास्ते में मुझे दूसरा शेर मिल गया। अब शेर ने सोचा दूसरा शेर कौन सा, जंगल में तो मैं ही शेर हूँ, तो मैं ही राजा हूँ जंगल का। तो उसने कहा हाँ महाराज मैं मुझे भी पता है, लेकिन ये बात उस शेर को नहीं पता। वो शेर कहने लगा कि तुम आगे नहीं जाओगे, मैं जंगल का राजा हूँ, और इसलिए मुझे रुकना पड़ा, और मैं उसको समझा के आया हूँ कि नहीं हमारे महाराज तो कोई और हैं, दूसरे शेर हैं। अब जब शेर को ये बात पता चली तो उसका गुस्सा और बढ़ गया, उसे लगा कि मेरे होते हुए जंगल में दूसरा राजा कहाँ से आ गया, जंगल का राजा तो मैं हूँ, मैं ही शेर हूँ। अब उसने गुस्से में बोला कि बताओ कहाँ है वो दूसरा शेर, मैं अभी देखता हूँ उसको कौन है जो अपने आप को राजा बोल रहा है। तो खरगोश है वो बोला चलिए महाराज, और खरगोश फिर उस शेर को एक कुएं के पास लेके आया।
और उसने कहा खरगोश ने कि महाराज दूसरा शेर इस कुएं में रहता है, मुझने वहीं से उसने निकल के मुझे बोला था। तो शेर ने जब कुएं में झांका तो उसको दूसरा शेर दिखा। सच में दूसरा शेर दिखा? नहीं, शेर को अपनी परछाई दिखी उस कुएं में, ठीक है। लेकिन शेर को तो पता नहीं चला, शेर ने सोचा कि कुएं में सचमुच कोई दूसरा शेर है, तो गुस्से में शेर दहाड़ा दूसरे शेर के ऊपर, जो कुएं में उसने परछाई देखी उसके ऊपर दहाड़ा, तो कुएं से भी दहाड़ने की आवाज आई, है ना, एको होता है जो प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं। तो शेर जब चिल्लाया तो कुएं से भी चिल्लाने की आवाज आई, तो शेर को लगा अरे मैं दहाड़ रहा हूं तो कुएं वाला शेर भी दहाड़ रहा है। फिर उसने क्या किया, पंजा दिखाया, दांत दिखाए, तो कुएं के शेर ने भी पंजा और दांत दिखाए। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी परछाई थी, है ना। लेकिन शेर को क्या लगा कि ये कुएं का जो शेर है वो भी मुझे पंजा और परछाई दिखा रहा। अब तो शेर से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा अरे मतलब ये इसकी इतनी हिम्मत, और गुस्से में वो कुएं वाले शेर के ऊपर कूद गया, मतलब कुएं में कूद गया। और क्या हुआ फिर, कुएं में कूद के वो डूब के मर गया। बच्चों शेर बहादुर तो था लेकिन साथ में बेवकूफ भी था, है ना। बहादुरी और बेवकूफी में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है, है ना। तो बहादुर शेर था लेकिन बेवकूफ था, उसको ये नहीं पता चला कि कुएं में दूसरा शेर नहीं है बल्कि उसकी परछाई है, उसका प्रतिबिंब है। तो इस तरह से जो खरगोश है उसने शेर से अपनी जान बचाई, साथ ही जंगल के जो बाकी जानवर थे उनको भी उसने शेर के आतंक से बचाया। नहीं तो आने वाले दिनों में बाकी जानवर भी तो शेर का शिकार होते। तो खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से, छोटा था खरगोश लेकिन उसमें बुद्धि थी, ठीक है। तो आकार से साइज से कुछ नहीं होता है, दिमाग होना चाहिए। तो छोटे से खरगोश ने इतने बड़े शेर को हरा दिया, उसको मार डाला अपनी युक्ति से, और इस तरह उसने जंगल के जानवरों की जान बचाई। और शेर जो था उसने वो सिर्फ अपने प्रतिबिंब से, अपनी परछाई से लड़के मर गया। ये कहानी थी। अब बच्चों ये हमने क्यों कहानी पढ़ी, प्रतिबिंब वाली परछाई वाली, ये हम जब ये पाठ को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो पढ़ते हैं, मैं पहले एक एक अनुच्छेद पढ़ूंगी और उसको फिर मैं समझाती जाऊंगी। एक जंगल में चार बंदर रहते थे, मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। चारों पक्के दोस्त थे। मटरू था गोल मटोल, कटरू के कान बड़े बड़े थे, दुमकू की दूम लंबी थी और नैकू की आंखें थी मोटी मोटी। अब बच्चों देखो इसमें क्या है, पहले हमारा जो पहला जो अनुच्छेद है, पहला जो पैराग्राफ, उसमें क्या है कि एक जंगल में चार बंदर रहते थे। बंदर तो सबने देखे होंगे मेरे ख्याल से, बनारस में तो बंदरों की कमी वैसे भी नहीं है, तो सबने बंदर देखा है ना। तो जंगल में कितने बंदर थे, चार बंदर थे। नाम क्या थे, मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। थोड़े से अजीब नाम लग रहे हैं ना आपको। अच्छा आपकी मम्मी भी घर में आपको कुछ अलग नाम से बुलाती है कि आपका जो असली नाम है उसी से बुलाती है? स्कूल में आपका नाम अलग है और घर पे हो सकता है प्यार से कुछ और नाम से बुलाती होंगी, है ना। तो लेकिन इन बंदरों का तो यही नाम है, असली नाम यही है, है ना। और ये जो चारों थे पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड, जैसे आप लोग बेस्ट फ्रेंड होते हो आप क्लास में, वैसे ये चारों बंदर बेस्ट फ्रेंड थे, पक्के दोस्त थे। अब मटरू का नाम मटरू क्यों था, क्योंकि वो गोल मटोल था। आपने मटर देखा ना, मटर कैसे गोल गोल होता है मटर, तो हो सकता है कि वो गोल मटोल था इसलिए उसका नाम मटरू रखा गया, क्योंकि मटोल था इसलिए मटरू। अब कटरू का नाम कटरू क्यों हो सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि उसके कान बड़े थे, कौसे कान कौसे कटरू, है ना। तो हो सकता है कि इसलिए उसका नाम रखा गया कटरू, क्योंकि कान बड़े थे। अब कितने बड़े थे, अब बच्चों वैसे तो कई जानवरों के कान बड़े बड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा खरगोश के कान कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना। और कोई जानवर है जिसके कान बड़े होते हैं? हाथी, है ना, हाथी के कान कितने बड़े होते हैं, पंखे जैसे, है ना, लगता है कि फैन है हाथ का, है ना। तो हाथी के कान भी बड़े बड़े होते हैं, खरगोश के भी बड़े बड़े होते हैं, है ना। और भी कोई जानवर है ऐसा, हम बाद में सोचेंगे, हम अभी हमने ये सोचा कि देखो खरगोश के भी कान बड़े होते हैं और हाथी के, लेकिन जो बंदर है उसके कान इतने बड़े नहीं होंगे, हाथी जितने नहीं बड़े होंगे या खरगोश जितने बड़े नहीं होंगे, लेकिन बाकी बंदरों की तुलना में वो बड़े थे कान, इसलिए उसका नाम हुआ कटरू।
अब दुमकू, दुमकू की दुम लंबी थी। बच्चों दुम का मतलब होता है पूंछ, ठीक है, दुम मतलब पूंछ। तो क्योंकि उसकी दुम लंबी थी इसलिए दुमकू, पूंछ लंबी थी इसलिए दुमकू। और नैकू की आंखें थी मोटी मोटी। अब नैकू का नाम नैकू क्यों होगा, आपको क्या लगता है? बच्चों आँख होती है ना, आँख को हम नयन भी बोलते हैं या नैना बोलते हैं, नैना या नयन या नेत्र, है ना, नेत्र नयन नैना सब न से है, न से नयन, न से नेत्र, न से नैना, तो न से नैकू, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो उसकी आंखें थी मोटी मोटी क्योंकि उसके नयन मोटे थे, उसके नेत्र मोटे थे, इसलिए वो नैकू कहलाया। तो हमने क्या जाना, जंगल में कितने बंदर थे, चार बंदर थे। बंदरों के नाम थे मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू, और ये चारों थे खूब पक्के दोस्त। मटरू गोल मटोल था इसलिए मटरू, कटरू के कान बड़े थे इसलिए कटरू, दुमकू की दुम बड़ी थी लंबी थी इसलिए दुमकू, और नैकू की आंखें मोटी मोटी थी इसलिए वो नैकू। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे दूसरे अनुच्छेद की ओर। एक दिन चारों दोस्त एक कुएं के पास आंख मिचौनी खेल रहे थे। चांदनी रात थी, आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि चारों दोस्त थे और ये चारों दोस्त जो थे वो एक कुएं के पास आंख मिचौनी खेल रहे थे। पर जो कुआं क्या होता है वो मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन अगर मैं फिर भी बता देती हूँ, कुआं क्या होता है, ये इसमें से पानी निकालते हैं। कुआं जो है जमीन में खूब गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है, बहुत बहुत नीचे तक गड्ढा खोदना पड़ता है ताकि उसमें से पानी निकले, उसको बोलते हैं कुआं। लेकिन वो सिर्फ गड्ढा खोदने से नहीं होता है, उसमें पानी आ गया और उसके बाद उसके चारों तरफ उसको घेरा जाता है, सीमेंट से या मिट्टी से उसको घेरा जाता है ताकि वो साफ सुथरा रहे, उसका पानी साफ सुथरा रहे और कोई उसमें गिर ना जाए उस गड्ढे में, तो उसको अच्छे से घेरा जाता है, तो उसे बोलते हैं कुआं। और आप ये चित्र में देख भी रहे होंगे, ये है कुआं, ठीक है। अच्छा, तो ये लोग जो है चारों दोस्त जो है वो कुएं के पास आंख मिचौनी खेल रहे थे। आंख मिचौनी क्या होता है बच्चों, एक खेल होता है, आप भी खेले होंगे, जिसमें कि एक बच्चा जो है वो अपनी आंख को बंद करता है और बाकी बच्चे फिर छुप जाते हैं, वो कुछ गिनती गिनता है, चाहे 50 तक या 100 तक की गिनती गिनता है और बाकी बच्चे फिर कहीं छुप जाते हैं। फिर वो जब वो आँख खोलता है तो उसे जो छुपे हुए बच्चे हैं उसको उसे ढूंढना होता है, और जिस बच्चे को पहले ढूंढता है, सबसे पहले ढूंढता है, फिर अगली बारी उसकी आती है आँख मूंदने की। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जब वो खोज रहा होता है छुपे हुए बच्चों को तो कोई पीछे से आके छू देता है, अगर वो पीछे से किसी ने उसको आके छू दिया तो फिर से उसी बच्चे की बारी आ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये आँख मिचौनी आपने खेला होगा, इसको लुका छिपी भी बोलते हैं, और आप इंग्लिश में इसको आई स्पाई बोलते हो, है ना, आँख मिचौनी का खेल। एक एक की बारी आएगी आँख बंद करने की और बाकियों की बारी होती है छुपने की। बहुत मज़ेदार खेल होता है, अभी तो आप खेल नहीं सकते क्योंकि अपने अपने घरों में सब बंद है, लेकिन जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो फिर आप इसे खेलना, आपको बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है कि आप खेलते भी होंगे, तो मेरा काम है समझाना ना। तो ये जो चारों दोस्त थे ये एक कुएं के पास आँख मिचौनी खेल रहे थे, चांदनी रात थी। अब तो चांदनी रात की उसको बोलते हैं जिस रात को बड़ा सा चांद निकला होता है, पूरा गोल वाला चांद, पूनम का चांद, पूर्णमासी वाला चांद, ठीक है, बड़ा चांद, और उसकी जो रोशनी आती है उसको चांदनी बोलते हैं, चांद की रोशनी को चांदनी कहते हैं। तो चांदनी रात थी का मतलब था कि बड़ा सा चांद निकला था और उसकी रोशनी थी, ऐसी रात को बोलते हैं चांदनी रात। तो रात चांदनी रात थी और आसमान में पूरा बड़ा सा चांद चमक रहा था, चांद की रोशनी अच्छे से चमक रही थी। बच्चों अब आप लोग सोच रहे हो कि चांदनी रात में आँख मिचौनी खेल रहे थे रात के टाइम, तो बच्चों जानवर है ना, ये तो कभी भी खेल सकते हैं, है ना। अब उनकी मम्मी थोड़ी ना डांटने के लिए कि अरे बच्चों चलो घर में चलो इतनी रात हो गई है, ये जानवर हैं तो कभी भी खेल सकते हैं। तो रात का टाइम तो, और ये रात में आँख मिचौनी खेल रहे थे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ें।
अब अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। खेलते खेलते नेकू कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। उसने कुएं में झांका तो देखा कि चांद कुएं के पानी में हिल रहा है। वह चिल्लाया, अरे देखो चांद कुएं में गिर गया है, वह डूब रहा है। अब क्या हुआ, ये लोग जो थे चारों बंदर जो थे, कौन कौन से थे बंदर, मटरू है ना, और कौन था मटरू, कटरू, दुमकू और नेकू। मटरू, कटरू, दुमकू और नेकू, ये चारों बंदर जब आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे, कौन सी रात थी, वो चांदनी रात थी, और आसमान में जब पूरा चांद निकला था, गोल पूर्णमासी वाला, पूर्णिमा वाला चांद निकला था, उसकी रोशनी में ये लोग जब आंख मिचौली खेल रहे थे, तो क्या हुआ, खेलते खेलते जो नेकू बंदर था, नेकू नाम का बंदर, वो कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। बच्चों कुएं की मुंडेर किसको बोलते हैं, ये जो है ना, ये इसको जो एज जिसका है, इसको कुएं की मुंडेर बोलते हैं। जब मैंने बताया था आपको कि जब कुआं खोदा जाता है तो उसके चारों तरफ उसे घेर दिया जाता है, कुएं को चारों तरफ से घेर दिया जाता है ताकि पानी भी साफ रहे और कोई उसमें गिर ना जाए, तो उसको थोड़ा ऊंचा बना दिया जाता है, उसको घेर कर उसको ऊंचा कर देते हैं सीमेंट से या पत्थर से, तो और उसके ऊपर फिर उसको समतल कर देते हैं जिसके ऊपर की लोग बाल्टी रख सकें, ठीक है, बाल्टी को इसके इस जो ये जो है ना इसके ऊपर ये मुंडेर पर बाल्टी रखी जाती है या जो भी बर्तन में जिसमें पानी भरना है वो इसमें रखा जाता है। बच्चों आपको पता है कुएं से पानी कैसे निकालते हैं, ऐसे हाथ डाल के नहीं, कुआं बहुत गहरा होता है, तो आपको क्या करना होता है, जिस भी बर्तन से आपको पानी निकालना है, मान लीजिए बाल्टी में पानी निकालना है, तो पहले एक रस्सी चाहिए होती है, लंबी सी रस्सी, और फिर उस रस्सी को बाल्टी से आप बांधोगे, एकदम कस के बांधोगे, और फिर उसके बाद उस बाल्टी को धीरे धीरे कुएं में गिराना है, और रस्सी का एक सिरा आपके हाथ में रहेगा, यानी कि पूरी बाल्टी डाल दी रस्सी के साथ, नहीं, बाल्टी डालोगे और रस्सी आपके हाथ में रहेगी, रस्सी का जो एक लास्ट जो सिरा है उसका एंड है वो आपके हाथ में रहेगा, फिर कुएं में जब आपने बाल्टी डाली, पानी भरा, फिर आप उस रस्सी को धीरे धीरे ऊपर खींचोगे, और इसमें बहुत ताकत लगती है, बहुत आसान नहीं होता है कि कुएं में से पानी निकाल के पी लिया, उसमें काफ़ी दम लगाना पड़ता है कुएं में से पानी खींचने के लिए, ठीक है। तो कभी आपके गाँव में कभी जाओगे जहाँ कुआँ होगा, तो आप देखना कि बड़े लोग, आप खुद नहीं कुएं के पास अकेले जाना, किसी बड़े के साथ जाना, अकेले कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, गिरने का डर रहता है उसमें, क्योंकि बहुत गहरा होता है ना और पानी भी रहता है, तो अगर गिर गए तो फिर जान बचनी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए अगर आपको कभी कुआं देखना हो तो किसी बड़े के साथ जाकर देखना, कोई आपके साथ बड़ा होना ज़रूरी है, और आप देखना कि कुएं में से पानी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैंने जो तरीका समझाया वही तरीका होता है, बर्तन के साथ रस्सी बांध के ही कुएं में गिराया जाता है और फिर उसको खींचा जाता है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम मैं क्या बता रही थी आपको कुएं के बारे में, कि नेकू जो है वो कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया और उसने क्या किया, कुएं में झांका, झांकना मतलब झुक कर देखना, तो उसने कुएं में जब झुक कर देखा तो उसे क्या दिखा, चांद कुएं में जो पानी होता है उसके ऊपर हिल रहा है। अब क्या हुआ, अब तो उसे लगा कि चांद तो कुएं में गिर गया है और वो ज़ोर से चिल्लाया कि अरे देखो देखो चांद कुएं में गिर गया है और चांद डूब रहा है, मतलब उसको क्या लगा कि चांद कुएं में गिरा हुआ है और अब वह चांद डूबने वाला है, इसलिए वह ज़ोर से चिल्लाया, ठीक है। तो ये पेज पे, इस पेज पे क्या हमने देखा, ये जो आपका पेज था कि एक जंगल है, उसमें चार बंदर हैं, कौन से बंदर थे, मटरू, कटरू, दुमकू और नेकू। मटरू गोल मटोल है ना, और कटरू के कान बड़े बड़े हैं, दुमकू की दुम लंबी है और नेकू की आंखें मोटी मोटी हैं, और ये चारों पक्के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, इतना हमें पता चला। फिर हमने क्या पता किया कि एक दिन ये लोग आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे, रात के समय, रात को ये आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे जंगल में, और उस दिन पूर्णिमा की रात थी, पूरा चांद निकला था, चांद चमक रहा था, और फिर खेलते खेलते नेकू जो है कुएं की मुंडेर के ऊपर चढ़ गया, और जब
नेकू बंदर ने जब कुएं में झांका तो उसने देखा कि चांद जो है वो कुएं का जो पानी है उसके ऊपर तैर रहा है। तो नेकू को लगा कि चांद कुएं में गिर गया है और वह डूब रहा है, तो इसलिए वह जोर से चिल्लाया। उसने अपने बाकी जो बंदर दोस्त थे उसके मटरू और उसका दूसरे का नाम क्या है, कटरू, मैं इसका नाम भूल जा रही हूँ, मटरू कटरू और फिर दुमकू को उसने बुलाया इन ताकि वो भी देखें। चले अब आगे पढ़ते हैं हम। मटरू कटरू और दुमकू दौड़े आए। बच्चों ये जो पेज है, ये जो पृष्ठ है, थोड़ा धुंधला है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा धुंधला है, पर ये मुझे ऐसा ही मिला है पीडीएफ, इसलिए इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, पर मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ूंगी तो आपको समझ में। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के रखेंगे, और नहीं है तो मैं जो बोल रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनेंगे। मटरू कटरू और दुमकू दौड़े आए, उन तीनों ने भी बारी बारी से कुएं में झांका। अरे चांद तो सचमुच पानी में डूब रहा है, अब क्या करें, इसे कैसे बचाएं। अच्छा अब क्या हुआ, जब नेकू चिल्लाया कि चांद पानी में गिर गया है, चांद डूब रहा है, तो उसके जो बाकी के तीनों दोस्त थे मटरू कटरू और दुमकू, ये तीनों बंदर भी दौड़े दौड़े कुएं के पास आए, और तीनों बंदर बारी बारी से एक एक करके वे लोग कुएं में झुककर देखने लगे, झांकने लगे। और जब उन्होंने कुएं में देखा, चांद को हिलते हुए देखा, तो उनको क्या, उनके मुंह से क्या निकला, अरे हाँ सचमुच चांद तो पानी में डूब रहा है। उनको लगा कि चांद पानी में गिर गया है और वह डूब रहा है, और फिर उनके मन में आया कि अब क्या करें, क्योंकि उनके मन में आया कि चांद अगर डूब जाएगा तो क्या होगा, अब इसको कैसे बचाएं। अब ये तीनों सोच में पड़ जाते हैं, सॉरी ये चारों जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि हम चांद को कैसे बचाएं डूबने से। ठीक है अब हम आगे पढ़ते हैं। चारों चांद को डूबने से बचाने का उपाय सोचने लगे। मिल गया मिल गया, अचानक दुमकू चिल्लाया, चांद को बचाने का उपाय मिल गया। अब क्या हुआ कि दुमकू जो जिसकी लंबी दुम थी, वो वाला जो बंदर, जिस बंदर की दुम लंबी थी, पूंछ लंबी थी, वो चिल्लाया। वो क्या चिल्लाया कि पहले तो चारों सोच रहे थे कि चांद को कैसे बचाएं डूबने से, चांद को डूब रहा है उसको बचाना है, ऐसे दिमाग में उनके आ रहा था और चारों सोच रहे थे। और उसके बाद दुमकू नाम का जो बंदर है जिसकी की पूंछ लंबी थी, वह जोर से चिल्लाया कि मिल गया मिल गया। क्या मिल गया, चांद को बचाने का उपाय मिल गया। उपाय मतलब तरीका, वो चांद को डूबने से बचाने का उपाय मिल गया। दुमकू ने कहा कि उसे उपाय मिल गया, तो बाकी जो तीनों बंदर थे उन्होंने क्या कहा, तो जल्दी बता ना, मतलब होता है ना आप भी ऐसा बोलते हो ना, जब कोई कुछ ऐसा बोलता है तो बताओ ना। तो तीनों भी बोले कि जब तुमको पता चल गया, कोई उपाय मिल गया है कि चांद को कैसे बचाना है, तो बताओ जल्दी करो, क्यों सोच रहे हो, चांद तब तक में तो डूब जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी बताओ। तो दुमकू क्या बोला, दुमकू बोला हम कुएं में जाकर चांद को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बुद्धू हम कुएं में जाएंगे कैसे, डूब नहीं जाएंगे, नेकू सिर पर हाथ रख कर बोला। अच्छा अब क्या हुआ, जब दुमकू से पूछा गया कि तुम्हारे मन में क्या उपाय आया है चांद को बचाने का, तो उसने क्या कहा, क्या उपाय बताया कि हम कुएं में जाकर चांद को बाहर निकाल लेंगे, एकदम आसान। मतलब उसको क्या लगा कि चांद को बचाने में क्या दिक्कत है, कुएं में जाएंगे और चांद को निकाल के ले आएंगे। उसकी बात सुनकर कौन बोला, नेकू बोला। नेकू बोला कि अरे बुद्धू हम कुएं में जाएंगे कैसे, डूब नहीं जाएंगे। मतलब बुद्धू मतलब मूर्ख, जिसको बुद्धि कम होती है उसको बुद्धू बोलते हैं, बुद्धिमान नहीं, बुद्धू मतलब जिसकी बुद्धि कम हो, जो मूर्ख हो। तो नेकू ने कहा उसको कि बुद्धू बोल तो दिया कि कुएं में जाके चांद को निकाल लेंगे, लेकिन हम जाएंगे कैसे कुएं में। मैंने बताया था ना कि कुएं में जाने के लिए तो रस्सी चाहिए होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुएं से जब पानी निकालना होता है तो आपको एक लंबी रस्सी चाहिए होती है,
और उस रस्सी को आप फिर बर्तन से, बाल्टी से, डब्बा, जो भी आप पानी जिसमें लेना चाहते हैं उससे आपको बांधना होता है, वो भी खूब टाइट कस के बांधना होता है, कहीं खुल ना जाए। खुल जाएगा तो क्या होगा, आपकी बाल्टी कुएं में गिर जाएगी, बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए उसे खूब टाइट बांधना होता है। और तब कुएं में डालना होता है और पानी भर के फिर उसे खींचना होता है। कुएं में ऐसे उतर के जा नहीं सकते, है ना, तो नदी थोड़ी ना है कि आप घुस जाएंगे ऐसे। तो उसने कहा, नैकुन ने कहा कि मूर्ख बुद्धू, बोल तो दिया कि कुएं में जाके निकाल लेंगे, लेकिन कुएं में जाएंगे कैसे, हम में से कोई भी जाएगा तो वो डूब जाएगा, है ना, कुएं में जाना आसान नहीं है। उनके पास कोई रस्सी नहीं थी, कोई बाल्टी नहीं था कि बाल्टी में भर के निकाल लें चांद को, या रस्सी डाल के निकाल लें, कोई ऐसा तरीका तो था नहीं, है ना। तो समझ में आया आपको कि अभी हमने कहाँ तक पढ़ा कि जब वो चांद को गिर, नैकू ने चांद को गिरे हुए देखा तो उसने चिल्ला के अपने दोस्तों को बुलाया कि देखो चांद डूब रहा है कुएं में गिरकर। उसके तीनों दोस्त आए, उन्होंने भी बारी बारी से कुएं में झांका और उनको कुएं में चांद दिखाई दिया, गिरा हुआ दिखा, और उनको लगा कि अब हमें चांद को बचाना है, पर कैसे बचाएं। और फिर दुमकू ने उपाय दिया कि कुएं में जाकर हम चांद को निकाल लेंगे, लेकिन नैकू ने बोला कि तुम तो मूर्ख हो, तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि कुएं में जाएंगे कैसे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जाने के लिए। उसके कहने का मतलब यही था ना कि कुछ सामान तो है नहीं कि हम कुएं में घुस जाएंगे। तो अब इस बात पे नैकू ने अपने माथे पर ऐसे हाथ रख लिया। जब कोई ऐसा बात बोलता है, मूर्खों वाली बात बोलता है, तो हम सिर पे हाथ रख लेते ना कि हे भगवान कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहा है। तो नैकू ने भी सिर पर हाथ रख के ये बात बोली, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक तो समझ में आया आपको कि अब जानना ये है कि अब तो चांद तो कुएं में गिर गया है, बंदरों के हिसाब से तो चांद तो कुएं में गिर गया है, अब वह कैसे निकलेगा चांद, चारों दोस्त कैसे कुएं से चांद को बाहर निकालते हैं, तो ये हम जानने के लिए हमें आगे पढ़ना होगा। तो बच्चों ये हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले वीडियो में जानेंगे कि किस तरह चार बंदर जो हैं, चारों बंदर मिलके कुएं में से चांद को बाहर निकालते हैं। तब तक आप इस पाठ को पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ना है जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, और उसके कठिन शब्द जो हैं उसको याद कीजिएगा। और अगर कोई आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम जो पाठ का आगे का भाग है उसे हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।